आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद दुख भरा है, तभी तो उसे एक के बाद एक करके दो हारों का सामना करना पड़ा। पहली सबसे बुरी हार उसे पंजाब के गुरुदासपुर की सीट से मिली। आपको बता दें, ये सीट अभिनेता से नेता बने विनोद खन्ना के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर आज उपचुनाव किया गया था, जिसमें बीजेपी को औंधे मुंह गिराते हुए कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया है। तो वहीं दूसरी सबसे बुरी खबर बीजेपी को अपने ही गढ़ यानी यूपी से मिली, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनावों में सपा ने बाजी मारते हुए एबीवीपी को बुरी तरह से हरा दिया। आपको बता दें, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में सपा ने बाजी मार ली है। ये परिणाम कल देर रात घोषित कर दिए गए थे। यहाँ समाजवादी छात्र सभा के अवनीश कुमार यादव ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, वहीं उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। एबीवीपी को सिर्फ महामंत्री पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। अवनीश कुमार यादव ने 3,226 मतों से यहां जीत हासिल की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एबीवीपी के छात्रों को हार का सामना करना पड़ा है, उससे एक चीज तो साफ है, छात्रों में बीजेपी की छवि धूमिल होती जा रही है। तभी तो दिल्ली के जेएनयू में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, और अब यूपी में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, बीजेपी अपनी हार पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हिमालय न्यूज की रिपोर्ट। थैंक यू तो इन्हें कहिए। थैंक यू। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।